वेलकम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिल्ली पटाटो। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था कि आप चिल्ली पटाटो की रेसिपी दिखाइएगा, तो इसलिए हमने आज बनाकर रेडी की है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने आलू ले लिए हैं और बिल्कुल इनको एक साइज़ के पीसेस में कट कर लिया है। तीन आलू लिए थे मैंने, ये देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे। चलिए इसके अंदर ऐड कर देंगे हम नमक। ये मैंने 1/4 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और 1/2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। हम नॉर्मल लाल मिर्च यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसका ज़्यादा मिर्च नहीं करनी है, तो ये कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, अच्छे से कोट हो चुकी हैं। तो अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम कॉर्नफ्लावर। 3 चम्मच मैंने इसके अंदर ये कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिए हैं और अब इसे भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो देखिए अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें और कोटिंग की ज़रूरत है। तो इसके अंदर अब ऐड कर देंगे हम मैदा। मैंने इसके अंदर 3 चम्मच ही मैदा ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका आलू ज़्यादा गीला ना हो तो आप मैदा कम भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है थोड़ा सा रेड कलर, इससे अच्छा कलर आएगा। आप जैसे बाहर खाते हैं सेम वैसे ही कलर बनकर रेडी होगा। देखिए ये अच्छे से कोटिंग हो चुकी है इनकी और ये अच्छे से कवर हो चुके हैं आलू। अब एक एक कर कर हम इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे। बिल्कुल मैंने हाई फ्लेम पर ऑयल रख रखा है, हम तेज़ गर्म ऑयल के अंदर ही ये ऐड करेंगे आलू और फिर उसके बाद फ्लेम हम थोड़ी सी लो कर देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। जो थोड़े चिपक चुके हैं तो ये भी अलग हो जाएंगे और इसी तरीके से हमें पका लेना है और हमें इसे 8 से 10 मिनट पका लेना है। ये हमारे बिल्कुल अच्छे गल जाएंगे आलू। देखिए अच्छे से पक चुके हैं। चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हम इन्हें एक छन्ने में निकाल लेंगे, इनका सारा ऑयल हम सेपरेट कर लेंगे और इसे छन्ने में ही रख देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। चलिए अब एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच ऑयल। ये मैंने एक थोड़ा बड़ा चम्मच ऑयल ऐड किया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम प्याज। ये मैंने आधी प्याज ली है और इसे रफली चॉप कर लिया है। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम ऑयल के अंदर। तो अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम शिमला मिर्च। ये मैंने हरी शिमला मिर्च ली है और अब इसको भी इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें। चलिए अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने 1/4 चम्मच ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। ये भी अच्छे से भून लेंगे। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम नमक 1/4 चम्मच, क्योंकि हमने जो आलू है उनमें भी नमक ऐड किया था तो अब हम कम ऐड करेंगे नमक। चलिए अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट। इसको भूनने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम कॉर्नफ्लावर का पानी। ये मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया था और थोड़ा सा पानी के अंदर इसे अच्छे से घोलकर इसके अंदर ऐड कर दिया। इससे काफ़ी थिकनेस आ जाएगी ग्रेवी में और काफ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनकर रेडी होगी। अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम टोमेटो केचप। ये मैंने 2 चम्मच टोमेटो केचप ऐड कर दिया है और इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा अजीनोमोटो। अजीनोमोटो से बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट आएगा, जैसे आप बाहर खाते हैं, लेकिन आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए ये भी मिक्स हो चुका है। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम पोटैटो फ्राई। ये पोटैटो फ्राई मैंने दोबारा फ्राई किए थे उसके बाद इसके अंदर ऐड किए हैं। दोबारा फ्राई करने से बहुत अच्छी क्रिस्पीनेस आती है आलू के अंदर। और बस अब इसे मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा और इसे 1 से 2 मिनट हम पका लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है वरना हमारे पोटैटो सॉफ्ट हो जाएंगे। बस ये रेडी हो चुके हैं। देखिए अब हम इन्हें सर्व करते हैं। बिल्कुल बाजार जैसे चिल्ली पटाटो बनकर रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान है बनाना इसे और बहुत ही कम चीज़ों से बनकर ये रेडी हो जाते हैं। चलिए अब इसको गार्निश करेंगे हम तिल के साथ। ये मैंने थोड़े से तिल लिए हैं वाइट और इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं हम, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। और देखिए बस ये चिल्ली पटाटो बनकर रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।